देख रहे हैं ghamasan.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। लोकायुक्त पुलिस द्वारा आज छापा मारकर वाणिज्य कर विभाग की जिस अधिकारी कोमल बाली के पास अब कुल संपत्ति पकड़ी गई है, वो कठोरता के साथ पैसा कमाने में माहिर बताई जाती है। इस महिला का पति अशोक बाली भाजपा का स्थापित नेता है। इस नेता पर भी कई आरोप लगे हैं। इंदौर की भाजपा की राजनीति में उन्हें दबंग विधायक रमेश मेंदोला का समर्थक माना जाता है। लोकायुक्त पुलिस ने आज सुबह छापा मारकर कोमल बाली के पास से आय के अनुपात से ज्यादा संपत्ति बरामद की है। इस घटना के बाद जब कोमल बाली का इतिहास जानने की कोशिश की गई तो ये तथ्य उभर कर सामने आया कि वर्तमान में वो वाणिज्य कर विभाग की शिकायत शाखा में पदस्थ हैं। इस शाखा में नागरिकों द्वारा टैक्स की चोरी की जाने की शिकायतें बड़ी संख्या में आती है। इन शिकायतों को सबसे पहले बाली के द्वारा ही निपटाया जाता है। इस निपटारा को करने में उनके द्वारा कठोरता के साथ काम किया जाता है। वाणिज्य कर विभाग के सूत्रों ने बताया कि कोमल बाली के पति अशोक बाली भाजपा के स्थापित नेता है। छावनी पारसी मोहल्ला क्षेत्र में उनका एक तरफा दबदबा है। भाजपा की राजनीति में उन्हें दादा दयालु रमेश मेंदोला का समर्थक माना जाता है। बाली के खिलाफ कई शिकायतें हैं, इससे पूर्व पुलिस के पास पहुंची हैं। इनमें से कुछ शिकायतों के मामले में तो न्यायालय में मुकदमे भी चल रहे हैं। अशोक बाली ने अपने फेसबुक अकाउंट में स्वयं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्पित स्वयंसेवक बताया है। उनके द्वारा फेसबुक पर अपने संघ की गणवेश में चित्र भी डाले गए हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि उनके फेसबुक अकाउंट में मेंदोला के साथ उनका कोई चित्र नहीं है। उनके फेसबुक अकाउंट में उनके कई चित्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पार्टी के इंदौर शहर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ लगे हुए हैं। अशोक बाली के फेसबुक अकाउंट में उनके धर्मालु होने की भी कई चित्र नजर आते हैं, जिसमें कि बगलामुखी माता मंदिर से लेकर पंचकुया रोड पर स्थित श्री वीर अलीजा हनुमान मंदिर, खजराना क्षेत्र के श्री गणेश मंदिर तक के बीसियों चित्र पोस्ट किए गए हैं। छापे की इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए लोकायुक्त पुलिस द्वारा व्यापक तैयारी की गई थी। कल देर रात तक इसके लिए योजना तैयार की गई थी। इस योजना में छापे को अंजाम देने के काम में 35 अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया गया था। कोमल बाली के तीन स्थानों को लोकायुक्त पुलिस ने प्रथम दृष्टया अपने छापे में जद में लिया। इन तीनों स्थानों पर एक साथ सुबह एक ही समय पर छापे मारे गए। विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये सावधानी बरती गई कि किसी भी हालत में ऐसा न हो कि एक स्थान से छापा पड़े और उसकी खबर दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। इस छापे की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए सुबह 5:30 बजे लोकायुक्त की टीम मौके पर पहुंच गई थी। कोमल बाली के घर पर जब छापा मारा गया तब स्वयं कोमल और उनके परिवार के सदस्य सो रहे थे। जैसे ही उन्हें पता पड़ा कि छापा पड़ गया है तो उनकी आंखों से नींद उड़ गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।